라이더 나게. रॉयल एनफील्ड का ग्रुप जा रहा पूरा। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the vibe. So good morning everyone and welcome back to the channel. So आज जा रहे हैं हम मॉर्निंग राइड पे चंडीगढ़ टू कसौली और हम दो बाइक्स पे जा रहे हैं। आज हेमंत जा रहा है अपनी क्लासिक 350 पे और मेरी इंटरसेप्टर 650। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करके हम निकलते हैं फटाफट राइड पर। So निकल गए हैं। आई होप कि कैमरा एंगल सही हो क्योंकि दिल्ली चंडीगढ़ आते हुए भी कैमरा एंगल बीच में थोड़ा सा हो रहा था आगे पीछे, बट ठीक था। सो टाइम हो गया है 5:20 इन द मॉर्निंग और प्लान था अराउंड 5 बजे निकलने का, बट 20 मिनट्स लेट है तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। सो आगे चल रहा है हेमंत, हेमंत गाइड करेगा और चंडीगढ़ से बाहर निकलने का रास्ता तो उसको ही पता है। सो आई जस्ट फॉलो हेमंत। तो आ गया अपना ये साउथ एंड का सर्कल। और एक बात और नोट करनी होगी कि यहाँ पे स्पीड लिमिट 45 भी है, उसको भी माइंड करते हुए चलाना होगा। और सबसे पहले हमें फ्यूल अप करना है, सो फटाफट पहले फ्यूल अप करेंगे फिर हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और ये आगे हमारे लेफ्ट साइड में 35C की मार्केट। तो पेट्रोल पंप पे काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, वहाँ पे आई गेस कार्ड मशीन चल नहीं रही थी, सिर्फ कैश ले रहे थे, काफ़ी लाइन अप हो गया था वहाँ पे, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। साथ में हमने वहाँ पे हवा भी भरवानी थी, हेमंत की बाइक में हवा नहीं थी तो हवा भरवाने भी वहाँ पे तो कोई था नहीं तो हमने खुद ही भरी। सो ये आ गया है आपके सामने ट्रैक्टर 27C है और यहाँ पे रॉयल एनफील्ड के यहाँ से भी अभी निकल रहे हैं लोग सुबह मॉर्निंग राइड के लिए। सो जो मेरी बाइक है और जो सामने वाली हेमंत की बाइक, हम दोनों ने यहीं से बाइक की है, दोनों 21 में ली थी हमने ये दोनों बाइक्स अराउंड 3-4 महीने के गैप में ही। सो आई गेस वो लोग भी आ ही रहे होंगे कसौली राइड पे, पीछे से रॉयल एनफील्ड का ग्रुप भी हमें आई गेस ज्वाइन करेगा। तो ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है, काफ़ी प्लेजेंट मौसम है। तो हम लोग आ गए हैं अब पंचकुला वाली साइड, चंडीगढ़ बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया है, यहाँ पर भी स्पीड लिमिट तो है ही। और यहाँ पे हम लोग साइकिल से भी काफ़ी आते थे, साइकिलिंग करते हुए मॉर्निंग में हम काफ़ी आते थे और अब आज बाइक से आ रहे हैं तो काफ़ी सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पैडल मारना नहीं पड़ रहा और काफ़ी आराम से चला रहे हैं। तो ये आ गया है यहाँ पे मेरी लेफ्ट साइड पे चंडी मंदिर आ गया है, ये आर्मी एरिया है, कैंट एरिया है बेसिकली चंडीगढ़ का। तो यहाँ पे रेड लाइट पे रुक जाते हैं और बढ़िया सा व्यू ले लेते हैं चंडी मंदिर का। तो ये मेन गेट है यहाँ से आर्मी एरिया का। तो अब आ गए हम कालका शिमला हाईवे पे, और भी बाइकर्स जा रहे हैं और अब हम आराम से भगा सकते हैं, जो 40-45 की स्पीड लिमिट थी वो पीछे छोड़ आए हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है खुले हाईवे पे वापस आकर और सामने से कितना ही बढ़िया सनराइज हो रहा है। और ये क्या सामने कच्चा बाइकर, ये कौन है भाई, शॉर्ट्स में कौन आता है सुबह सुबह मॉर्निंग राइड पे गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए। तो लो जैसे इस हाईवे पे चढ़ते हैं तो हमें मिल जाता है टोल प्लाजा। और वाह, ये आई थिंक BMW GT है जो इस ट्रक के पीछे आ गए, ये देखिए ब्लू कलर की राइट साइड में कितनी प्यारी लग रही है। तो ये आ गया अपना कालका शिमला का पहला टोल जो कि हिमालयन टोल प्लाजा के नाम से जाना जाता है। और गाड़ी देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, लेकिन हम तो साइड से निकल जाएंगे क्योंकि हम बाइक वाले हैं। तो फिर से आ गई है मेरे आगे है BMW GT और मैंने फटाफट कैमरा ऑन कर लिया। आई गेस ये 5th या 6th सीरीज़ है, सीरीज़ है ऊपर नीचे हो, बट काफ़ी बढ़िया लग रही है और बंदा सही भगाते हुए ले जा रहा है बाइक से भी तेज़ आगे निकाल गया, क्यों ना निकाले भाई BMW GT जो है। सो हम लोग भी आराम से अभी 80 पे चल रहे हैं, वो तो 100-110 पे होगा। सो काफ़ी बाइकर्स हैं यहाँ पे, जैसा मैं देख रहा हूँ संडे है तो सारे चंडीगढ़ वाले बाइकर्स का तो भाई आराम से कसौली का तो काफ़ी बढ़िया स्पॉट होता है, मात्र 50 किलोमीटर में आप पहाड़ों में पहुंच जाते हैं। पहाड़ तो ऐसे परवानों से ही शुरू हो जाते हैं लेकिन ठंडी हवाओं के लिए आपको बस 50 किलोमीटर ही जाना है। कच्चा राइडर भी हमारे साथ ही चल रहे हैं और काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे हाईवे एकदम लीन करते हुए चलाओ अपना यहाँ पे और दोनों तरफ से बनाओ। और ये वाली पहाड़ी देखो यार, ये सबसे अच्छी लगती है मेरे को। एक टाइम था ये सबसे पहले ऐसी वाली पहाड़ी थी कि दो पहाड़ियों के बीच में से जो रोड निकाली थी ना, ये बहुत कम देखने को मिलती थी। अब तो काफ़ी हाईवेज में ऐसा हो गया क्योंकि अब काफ़ी अच्छे अच्छे हाईवे बन गए इंडिया में और भी, लेकिन ये बहुत पहले पहले में काफ़ी अच्छा लगता था और आज भी अच्छा लग ही रहा है। सो गाइस वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। और ये आ गया है हिमाचल और
हरियाणा के बीच का जो टोल है वो आ गया है। वैसे मेन बोर्ड पीछे रह गया है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया जिसमें लिखा हुआ था वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। सो आई गेस यहाँ से सोलन डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है और पहला ही टाउन यहाँ से आगे परवानू आ जाएगा। थोड़ा सा आगे चल के यहाँ से निकल के मैं दिखाता हूँ तो आगे परवानू वाला बोर्ड भी आएगा। तो काफ़ी छोटा सा बनाया हुआ है टोल, क्योंकि है ही जब 2 लेन रोड है पहाड़ों में तो इतने छोटे छोटे टोल होते हैं। वैसे तो आज जाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी काफ़ी लंबे लंबे लाइन भी लग जाती है। आई गेस अभी सुबह का टाइम इसलिए खाली है। तो हिमाचल में एंटर करते ही ऐसा लगता है कि हवाओं ने अपना रुख बदल दिया और ठंडी ठंडी हवाएं लगने लगती हैं। और ये देखिए लेफ्ट में कितना बढ़िया पेंट कर रखा है। आई गेस आगे ये कट आ गया है जो ऊपर परवानू को जाता है। तो परवानू यहाँ से लेफ्ट साइड को ऊपर चला जाता है, यहाँ पे जो टाउन है मेन परवानू का ऊपर है, और आगे जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे आई गेस वो टिम्बर ट्रेल है जो ऊपर केबल कार में आपको ऊपर ले जाते हैं, और वहाँ पे उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट बना रखा है। सो ये वाली रेड लाइट है जहाँ से आप लेफ्ट को चले जाएंगे तो परवानू को निकल जाएगा। और ये स्पीड ब्रेकर्स बहुत है यार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शार्प कर्व्स हैं। तो ये सीधा निकल जाता है आगे शिमला को, तो हमने तो अभी आगे जाना है कसौली वाले रूट पे, तो कंटिन्यू करेंगे। तो पहुंच गए हैं अभी हम पहाड़ों के बीच में। मॉर्निंग संडे मॉर्निंग राइड पे काफ़ी लोग आए हुए थे, जैसे कि आपने बीच में देखा होगा कि राइडर्स काफ़ी आए हुए थे। और ये देखिए यहाँ का थोड़ा सा व्यू, जब हम शिमला वाले ट्रिप पे गए थे बाइक से तब भी हम शायद यहीं रुके थे, तब यहाँ पे थोड़ा ठीक था। अब यहाँ पे लैंड स्लाइड हो रखी है, काम चल रहा है। और हेमंत कैसा चल रहा है राइड? स्वीट स्वीट जूस शुगर केन जूस, स्वीट शुगर केन जूस राइडर्स आ गए। रॉयल एनफील्ड का ग्रुप जा रहा पूरा। चलो ये भी हमारे दोस्त हैं, ये भी हमारे दोस्त हैं हरियाणा रोड पे। तो अभी हम ये NH5 हाईवे पे हैं जो कि शिव किला से आता है, जो कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर है जहाँ से सतलुज स्टार्ट होती है और ये आगे पंजाब फिरोजपुर तक जाता है पूरा। तो अभी हमने परवानू एंटर किया है, डिस्ट्रिक्ट सोलन रखता है, सबसे पहला शहर परवानू ही आता है जो आपने देखा होगा बीच में टोल प्लाजा पे बेल्ट है। मैंने एंटर किया था। तो हेमंत का ऑफिस भी परवानू में। हेमंत अपना ऑफिस देखिए कैसा लग रहा संडे को? थोड़ी दूर है, पीछे है पहाड़ी पे। तो ऐसा हो गया कि जैसे हम भी संडे को नोएडा आए हैं तो भाई रोज़ रोज़ आने का मन नहीं करता। ये देखिए ऊपर रेलवे लाइन भी दिख रही है, यहाँ से ट्रेन पास होती है। जब हम लास्ट टाइम शिमला गए थे तो हमें बीच में ट्रेन काफ़ी बार दिखी थी। आई गेस की टाइमिंग होती है सुबह 7:30 बजे चलती है शायद ये कालका से। और ये कालका शिमला रेल है, कालका शिमला रेल है, टॉय ट्रेन अंग्रेजों के जमाने से चलती आ रही है, नैरो गेज पे चलती है। तो ये सामने फॉरेस्ट फायर दिख रही है, काफी दूर से मैं देख रहा था तो मुझे दिख रही थी, और एकदम सामने आ गई जहाँ से मुझे दिख रहा है कि कौन से जंगलों में लगी है। पहाड़ों में आ गए सबसे बुरा जो लगता है ये जो फॉरेस्ट फायर को देखना लगता है ना, सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है, क्योंकि पहाड़ों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ठंडी ठंडी हवा होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन जो लोअर रेंज माउंटेन्स होते हैं कई बार लोग हायर पे भी लगा देते हैं, बट यहाँ पे हीट की वजह से भी लग जाती है। कई बार लोग खुद भी लगा देते हैं, फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लैंड स्लाइड हो रखा है आने वाले रोड पे, तो उसको बंद किया हुआ है, तो यहाँ पे वन वे कर रखा है इन्होंने। तो मुझे पहला ही लैंड स्लाइड दिखा है जिसमें कि आई गेस दूसरा तो आगे शिमला सॉरी सोलन वाले रोड पे काफ़ी बड़ा है। तो ये आ गया है धर्मपुर वाला टोल, और धर्मपुर जस्ट के आगे है, तो आई गेस कसौली वाला कट भी आने ही वाला होगा एक दो मोड़ों के बाद। तो जब हम 2 साल पहले शिमला गए थे तो वापसी हमने यहाँ पे काफ़ी फ़ोटोशूट करवाया था। तो बाइकर्स चॉइस ऑलवेज फ्री ऑन द टोल। तो चलिए आगे चलते हैं, ऊपर कसौली में जाके ब्रेक लेंगे। तो पीछे रुक कर हम यही चेक कर रहे थे कि यही वाला टर्न है कि नहीं। तो यहाँ पे ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ था कसौली, आई गेस मुझे लगा कि कहीं है वन वे वगैरह ऐसा ना बनाया होगी एक आने का और एक जाने का, बट सेम ही रोड है और ये वाला रोड पुराना ही है, इसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया। तो यहाँ से अराउंड 12-13 किलोमीटर है कसौली। सो जो सामने आप देख रहे हैं लेफ्ट में वही ऊपर कसौली है, और हम नीचे से हाईवे को छोड़ते ऊपर चढ़ गए हैं। तो अभी हम 50 किलोमीटर तो आ ही गए हैं।
तो इन दो भाई लोगों को हमने बिठा लिया, वैसे ये चार थे तो हमने कहा भाई एक एक ही बैठ सकता है, दो दो तो हम बिठाएंगे नहीं। सो एक आगे बिठा दिया मतलब एक पीछे बिठा दिया। तो इन्होंने यहीं तक आना था, अराउंड 5-6 किलोमीटर था नीचे से। सो ये एक छोटा सा नीचे गांव टाइप सा आता है, अब तो काफ़ी होटल्स यहाँ पे भी बन गए हैं। तो यहाँ से अराउंड कसौली 4-5 किलोमीटर ही है। सो उन्होंने यहीं उतर कहीं उतरना होगा। ये भाई लोग जींद से आए हैं हरियाणा से। सो आई गेस उनको बस ने नीचे उतार दिया, मैं ये पूछ रहा था। चलो यहीं होगा इनका होटल, आगे वाले ने मैप लगाया हुआ आई गेस। चलिए आगे चलते हैं, इन लोगों को तो यहीं उतार दिया है। हमारा सफ़र अराउंड 4-5 किलोमीटर और आगे हैं यहाँ से। सो गाइस फाइनली वेलकम टू कसौली। सो पहुँच गए हैं कसौली में और हवा काफ़ी बढ़िया हो गई है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। एंड द टाइम इज 7 in the morning। सो हमें अराउंड 1.5 घंटा लगा कसौली तक पहुँचने में। इट्स अराउंड 60 किलोमीटर्स फ्रॉम चंडीगढ़। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चेंज आए, क्योंकि मैं काफ़ी काफ़ी सालों बाद आ रहा हूँ कसौली। तो काफ़ी बढ़िया मौसम हो गया और ये ऊपर आई गेस जो ऊपर वाला एक नया बड़ा चर्च है वहाँ जाता है रास्ता। और वाह, यहाँ तो बहुत बड़ी पार्किंग देख रहा हूँ मैं, और ये लाइन भी आई गेस ये पार्किंग की एंट्री की होगी। चलिए पूछते हैं आगे। चल यहीं तक कहना सर, आगे पैदल है कि यहाँ से घूम निकलिए सारा, और फिर भी पार्किंग है पर बाइक। तो दोस्तों पहुंच गए हैं कसौली में और अभी सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं उचित मूल्य की दुकान बंद है। इधर भी द रिवायत रेस्टोरेंट बंद है, डोची कॉफ़ी हाउस बंद है, और ये कोई कृष्णा निवास है जो आपका है अपना है। दो दो तरीके से अपना है, एक तो कृष्णा निवास से भी अपना है और एक राजेश शर्मा लिखा हुआ है आगे। सो ये सामने आप देख रहे हैं क्राइस्ट चर्च है, अभी नीचे ले जाके आपको और दिखाएंगे। और यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे क्या है अमन, तो ऊपर कोई सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऊपर, बाकी होटल वगैरह हैं, कार्स वगैरह चल रही हैं। और हाँ, मौसम के मज़े हैं भाई, जिसके लिए हम साठ किलोमीटर चल के आए हैं ना, वो वसूल हो गया, ठंडी हवाओं का झोंका। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि यहाँ पे एक मल्टी लेवल कार पार्किंग जो सामने दिख रही है वो बन गई है, और ये मेन चर्च वाला चौराया है कसौली का। तो गाड़ियाँ टूरिस्ट की और बाइक्स वगैरह यहाँ से इसके आगे अलाउड नहीं है, इस पॉइंट के आगे। जिनके होटल हैं या फिर आईडीज़ हैं जो रहते हैं उनकी गाड़ियाँ अलाउड है सिर्फ। और काफ़ी बढ़िया देख रहा हूँ मल्टी लेवल कार पार्किंग बना रखी है, इसकी एंट्री एक यहाँ से भी है और एक पीछे से भी है। अभी तो सुबह के 7:30 बजे हैं तो जाम नहीं है, तो हम आराम से यहाँ पर आ गए, नहीं तो पीछे से ही एंट्री हो जाती। तो कसौली शहर एक कैंट स्थापित किया गया था जो कि अंग्रेज़ों द्वारा 1842 में इस्टेब्लिश किया गया था। और जो आप मेरे पीछे चर्च देख रहे हैं ये 1844 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो अब यहाँ पे काफ़ी होटल वगैरह इस्टेब्लिश हो गए हैं और होटल्स आ गए हैं, तो अभी भी कैंट एरिया तो है लेकिन टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है। और मौसम की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी प्लेजेंट मौसम है, ठंडी हवाएं जो लेने आए थे वही मिल रही हैं, क्योंकि अभी सुबह का वक्त भी है, 7:30 बजे हैं। तो चंडीगढ़ से हम छोड़ गए हैं 40 डिग्री और यहाँ पे अभी 22-23 डिग्री होगा मैक्सिमम, यहाँ पे 30-31 जाता है। तो मच बेटर, एकदम शांति है और प्लेजेंट है ऐसे। तो अभी यहाँ पे मॉल रोड में देखना है कुछ खाने को मिल जाए, अगर पहाड़ों वाली मैगी। और कसौली का हाइट है अराउंड 6,000 फीट फ्रॉम सी लेवल, 5960। और ये आ गया है खूबसूरत कसौली, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, काफ़ी अच्छा बना रखा है। तो ये है कसौली मिलिट्री स्टेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, अराउंड 1842 में सेटअप हुआ था यहाँ पे सारा। और ये ऑफिसर्स मेस और MH कसौली, MH इज़ मिलिट्री हॉस्पिटल कसौली का। और ये एक और चौराया है मेजर ध्यानचंद चौक, जहाँ से अगर हम लेफ्ट को आए हैं पार्किंग की तरफ से, ये लोअर मॉल रोड है और ये अपर है, राइट में अगर हम सीधे चले जाएंगे तो अभी एक ये कल्याण कैफे दिखाई गया। जब हम सबसे पहले राइट पे आए थे, जब मेरे पास थंडरबर्ड होती थी तो हम यहीं पर रुके थे, तब हम चंडीगढ़ से आए थे यहाँ पर, अप डाउन किया था कसौली,
जैसे हम आज कर रहे हैं, तो हम यहीं रुके थे, यहीं ब्रेकफास्ट करके हम वापस आए थे, तब यहाँ पे बाइक अलाउड थी, तो अब बाइक तो नहीं अलाउड है, चलो देखते हैं अगर कुछ है खाने को। तो आ गए हैं यहाँ पे, एक शॉप ओपन मिल गया, परांठा ले लिया है और बाहर से मैगी आ जाएगी। तो ये वही एक्चुअली ढाबा है जहाँ पे हम 2017 में जब राइड स्टार्ट की थी तो हम तीन बाइकर आए थे, अनमोल, मैं और रत्नेश, हमने यहीं लंच किया था, तब भी हम चंडीगढ़ से आए थे। सो फार सो गुड, ये तो बोला ही नहीं आज के ब्लॉग में। चलिए पहले खाने पे फोकस करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो आ गई है पहाड़ों वाली मैगी, कम है पर भरपूर पैसों से करी। ऐसे एक बार ऐसे लगाते थे, लाइक लेके बताएंगे कैसा लग रहा है, डर रहे हैं ये गर्म है कि नहीं, गर्म होगी थोड़ा ध्यान से। आईब्रोज तो उठाइए, वी वांट टू एक्सप्लोर, कॉपीराइट आ जाएगा करने में।